तो भाई आज हमारे पास है ऑडियो एरेगा AI03, एक ऑडियो इंटरफेस जो हमारे वॉइस को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर सकता है, क्योंकि वॉइस तो मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट क्वालिटी से बहुतों को साउंड कार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। मीन साउंड कार्ड में हमें एक ऑडियो प्रोसेसर देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, चाहे हमने किसी भी माइक से रिकॉर्ड किया हो। बट यहाँ पे जो हमारा माइक होता है वो फुल पोटेंशियल पे यूज होता है, जिसके कारण हमारा ऑडियो काफी ज्यादा एनहांस्ड एंड बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड होता है। तो यही हमारे साउंड कार्ड का काम होता है। बट ये हमारा ऑडियो इंटरफेस है जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए, तो सिंगिंग वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी प्रोफेशनली। एंड ये रहा हमारा ऑडियो एरेगा AI03, जो एक बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी का ऑडियो इंटरफेस है। तो चलो सबसे पहले करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं बॉक्स कंटेंट। तो जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा यूजर मैनुअल, साथ ही हमें एक थैंक यू कार्ड मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ केबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे हमें 2 ऑक्स केबल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ऑडियो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पे हमें एक टाइप सी और USB केबल देखने को मिलता है जिससे हम इसे अपने PC से कनेक्ट करेंगे। तो इतने सारे कंटेंट्स इन द बॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब आते हैं हम अपने ऑडियो इंटरफेस पे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक प्लास्टिक बॉडी है, बट यहाँ पे जो फिनिशिंग हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। एंड यहाँ पे बैक साइड पे देखो तो आपको 4 रबर फीट्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अपने डेस्क पे बहुत ही ज्यादा इजीली रख के यूज कर सकते हो। बाकी बात ऊपर का डिजाइन देखो तो बीच में आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है और अगल बगल मैट। एंड यहाँ पे आपको जितने भी कीज और नॉब्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे इसके हर एक की के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बता दूं जो आपको इसमें मिलने वाले हैं। अबे किसी भी साउंड कार्ड में ऑडियो प्रोसेसर मायने रखता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 32 बिट का ऑडियो प्रोसेसर और साथ ही इस साउंड कार्ड में हमें एक इनबिल्ट बैटरी देखने को मिलता है जिसके कारण हम इसे बहुत ही ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं बिना कोई अदर पावर सप्लाई के। एंड साथ ही ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, मीन 700 ग्राम्स के आसपास है। साथ ही ये ऑडियो इंटरफेस कंपेटेबल है आपके किसी भी डिवाइसेस के साथ, लाइक मैक हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया। इसमें जो हमें कनेक्टिविटी देखने को मिलती है वो हमारे USB 2 Type-C कनेक्टिविटी है जो काफी ज्यादा इजीली आपके PC या लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है, साथ ही आपके मोबाइल से भी। एंड इसमें काफी सारे लाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। मीन यहाँ पे हमें 9 ब्राइटनेस मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। वैसे नॉर्मली कहा जाए तो इसे हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, लाइक लाइव स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग या सिंगिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऑडियो रिलेटेड काफी सारे इक्विपमेंट आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो म्यूजिक के साथ। तो भैया सिंगर्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। मैं ऑडियो एरे के प्रोडक्ट इसलिए रेकमेंड आपको करता हूँ क्योंकि मैं इसे अभी यूज कर रहा हूँ और अभी की जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो हमारे ऑडियो एरे के AM-C1 माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है। तो ये हमारा ऑडियो एरे का माइक है एंड यहाँ पे मैंने विंडशील्ड हटा करके आपको दिखा दिया। अब ऑडियो रिलेटेड फीचर्स की बात करें तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसे यूज करके। तो बातें हम अपने इंटरफेस पे। एंड यहाँ पे देखो आपको काफी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है जिसे आपको 3-4 seconds दबाते ही ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको 2 बड़े नॉब्स देखने को मिल जाते हैं लाइक DJ की तरह। एंड यहाँ पे आपको दोनों ही नॉब्स में अलग अलग कंट्रोल्स देखने को मिलता है, लाइक फर्स्ट वाला होता है हमारे माइक का जिससे हम माइक की इंटेंसिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही सेकंड वाला नॉब जो है हमारा उससे हम म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ज्यादा म्यूजिक हमारे वॉइस के साथ आना चाहिए, जिसमें हमारा वॉइस भी आता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता रहता है। अब इसके इनपुट और आउटपुट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें पॉडकास्ट 1, 2, 3 3 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं पॉडकास्ट आउटपुट के लिए। साथ ही यहाँ पे बात करें तो हमें म्यूजिक इनपुट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे हम कोई भी म्यूजिक जो हम बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं उसे यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है USB Type-C पोर्ट और इसी के जरिए हम किसी भी स्ट्रीम पे आराम से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसी के बाद हमें 2 कंडेंसर माइक इनपुट देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही यहाँ पे हमें आउटपुट का एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही रियल टाइम वॉइस मॉनिटर करने के लिए हमें एक हेडसेट पॉड देखने को मिल जाता है जिसके जरिए हम डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक डायनेमिक माइक का पोर्ट देखने को मिल जाता है, मीन यहाँ पे वो बड़ा वाला माइक होता है ना उसे भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं।
अब भाई ये साउंड कार्ड हमारा ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी के साथ आता है, तो जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा ब्लूटूथ भी ऑन हो जाता है। सिंपली मैं अपने फोन पे जाता हूँ ब्लूटूथ सेक्शन पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी साउंड कार्ड ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा साउंड कार्ड है वो फोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरे फोन पे जो भी प्ले होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी मैं म्यूजिक से प्ले करूंगा वो सारा हमारे साउंड कार्ड पे इनपुट होगा और वो आउटपुट पे भी आएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 एनालॉग इनपुट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हमें 4 एनालॉग प्लस 1 डिजिटल यूएसबी आउटपुट देखने को मिल जाता है, और जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा फीचर है इस साउंड कार्ड के हिसाब से। साउंड कार्ड का जो बेस्ट फीचर लगा मुझे वो है डिनॉइस वाला ऑप्शन। ये हमारे वॉइस के बैकग्राउंड नॉइस को काफी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली डिनॉइस करता है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा नॉइज हमें सुनाई दे रही है, बट मैंने अभी जस्ट अपने बोया के MM1 माइक को इससे कनेक्ट किया है, साथ साथ अपने हेडसेट को भी कनेक्ट किया है ताकि मैं इसके साउंड को मॉनिटर कर सकूं, और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज सुनाई दे रहा है। अब इतनी ज्यादा नॉइज अगर हमारे साउंड कार्ड से आएगी तो साउंड कार्ड किस काम का? तो चलो सबसे पहले करते हैं इसके डिनॉइज वाले फीचर का यूज। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले बटन देखने को मिलता है डिनॉइज। जैसे ही हम डिनॉइज बटन पे क्लिक करेंगे हमारा बैकग्राउंड नॉइज गायब हो जाएगा, और इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से गायब हो चुका है हमारा बैकग्राउंड नॉइज कि हमारा जो ऑडियो है वो बिल्कुल क्रिस्पी क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको काफी सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो टोटल 9 है, एंड इन्हें आप यूज कर सकते हो अपने वीडियोस में बहुत ही ज्यादा इजीली। मैं आपको कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आपको टोटल 7 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं मिड सेक्शन में, तो उन 7 नॉब्स के बारे में मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट वाले 3 नॉब्स के बारे में बताता हूँ, जिससे आप अपने वॉइस के हाइस को, मीडियम को और लोज को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसी के राइट साइड हमें 3 ऐसे नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला हमारे रिकॉर्डिंग लेवल को मेंटेन करता है, सेकंड वाला हमारे ऑडियो में इको ऐड करता है, और थर्ड वाला नॉब हमारे वॉइस को मॉनिटर करने में काम आता है, उसकी साउंड को कम ज्यादा करने में। साथ ही राइट साइड के बटन पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में हमें टोटल 5 साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो हमारे वॉइस को एनहेंस करेंगे। फर्स्ट होता है ओरिजिनल, सेकेंड होता है प्रोफेशनल, थर्ड होता है रिवर्बेशन, फोर्थ होता है हमारा ईलिंग साउंड इफेक्ट, और फिफ्थ होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सभी के साउंड इफेक्ट को आप सुनो। अब हम प्रोफेशनल ऑडियो पे बात कर रहे हैं तो अब आपको मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी। ये थोड़ा सा रिवर्वेशन साउंड है एंड यहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो कुछ इस तरीके की आती है, और इसके फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोफेशनल वाला काफी बढ़िया था। ये ईलिंग साउंड है और इसमें हमारी आवाज कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब जो आप सुन रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस, और ये बिल्कुल एकदम एलियन जैसी है। एंड ये आपने शायद रीलों में सुना होगा, एक बंदा जो एलियन की शक्ल बना करके ऐसे वीडियोस बनाता है। और यहाँ पे जो पिच है हमारा उससे हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं। फेवरेट तो मेरा लॉली वॉइस है। अब आते हैं हम इसके पिच पे, और इसके पिच को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो जैसे हम पिच वाले बटन पे दबाएंगे, देखना अब यहाँ पे आपको मेरी आवाज फीमेल में सुनाई दे रही है ना? अब यहाँ पे मेल वॉइस है तो वो तो मेरे पास है ही भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आवाज में भारी बना चुका है। ओ भाई ओ, ये तो लोली वॉइस है, और ये देखो इसकी जो साउंड है वो काफी बारी आपने यूट्यूब पे सुना होगा, स्ट्रीम्स में देखा होगा, और बहुत सारे फनी कंटेंट में भी ये यूज होता है। बहुत सारे लोग साउंड कार्ड यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपने उनके वीडियोस में इसी साउंड कार्ड को देखा हो, जो कि ऑडियो एरे का AI03 है। अब आ चुके हैं रोबोट वॉइस में, तो भाई
ये भी काफी बढ़िया है, इसमें ज्यादा भारीपन आ गई आवाज। यहाँ पे हमें लूप बैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साइड चेन, बट इसके नीचे हमें कस्टमाइज वाले ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम बहुत ही ज्यादा टाइप के वॉइस रिकॉर्ड करके उन्हें यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कस्टमाइज बटन, तो सिंपली आपको भी अपने वॉइस को कस्टमाइज करके इस बटन में शिफ्ट करना है, तो सिंपली इसे थोड़ा देर के लिए प्रेस करके रखे और ये जैसे ही ब्लिंकिंग पे आ जाता है तो आप कुछ भी बोले और बटन को दबा दे, वो वॉइस आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और इस बटन पे सेव हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाऊं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, सेकंड वाला कस्टमाइज किया हुआ है, थर्ड वाला कस्टमाइज किया हुआ है। नीले गगन के ताले एक नंबर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी जरूर कर ले। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, लाइक यहाँ पे जो मेरी मॉनिटरिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा कम है तो मैं उसे बढ़ा भी सकता हूँ और यहाँ से मैं बहुत ही ज्यादा इजीली यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हमें इको का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे मैं इको के नॉड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आपको मेरी वॉइस में थोड़ा सा इकोपन देखने को मिलेगा और ये काफी अच्छा लगता है गूंजते हुए वॉइस के साथ, और ये बहुत ज्यादा लोग यूज भी करते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है और जो नहीं देखे हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एको को भी हम यूज कर सकते हैं, साथ साथ जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्ड की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अपने रिकॉर्ड सेटिंग्स को थोड़ा सा लाउड कर दिया है तो आपको मेरी वॉइस काफी ज्यादा लाउड सुनाई दे रही होगी, बट मैं इसे मीडियम पे करता हूँ और मीडियम पे करने के बाद देखो आपको मेरी वॉइस कुछ इस तरीके से सुनाई देगी, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेवल बैलेंस रहता है, तो क्योंकि बैलेंस ऑडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है। तो लाइक देखो मैं यहाँ पे अपने माइक के इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया हूँ तो यहाँ पे वॉइस बहुत ही ज्यादा कम जा रही होगी। अभी मैं अपने रिकॉर्डिंग बटन को भी बढ़ा दूंगा तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं जैसे ही अपने यहाँ पे माइक की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो मेरी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसे मात्र 5,500 रुपए में खरीदा था, साथ ही आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहा हूँ कि मैंने इसे कब खरीदा था, तो ये हमारा 3 मार्च को डिलीवर हो चुका था। अगर मैं अपनी बताऊं तो इसकी क्वालिटी, फीचर्स और परफॉर्मेंस और साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है 2023 में। मेरे हिसाब से ये डिवाइस काफी ज्यादा परफेक्ट है और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं और पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग में मल्टीपल डिवाइसेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ ऑडियो प्रोसेसिंग यूनिट काफी ज्यादा शानदार रोल प्ले करती है। साथ ही अगर आप पॉडकास्ट वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल माइक्स प्लस बहुत सारे ऐसे साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जिनसे आपका पॉडकास्ट काफी ज्यादा आकर्षित हो सकता है, मतलब आकर्षक हो सकता है। और यही बात करें सिंगिंग की, तो यहाँ पे आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर सकते हो एक ही टाइम पे, साथ ही साथ बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के साथ वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो विथ म्यूजिक, और यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़िया है। और भाई अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज से रिलेटेड हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑडियो काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए दबा दो। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt